डीजल की बढ़ती कीमतों से महंगाई चरम पर पहुंच रही है। नादौन में पिछले कुछ दिनों से सब्जी के रेट में भी इजाफा हुआ है, तो बाजारों में महंगी सब्जी बिक रही है। बाजारों में सब्जी विक्रेता और फल विक्रेताओं के पास भी बहुत कम ग्राहक ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि रेट बढ़ने से लोग भी सब्जी फल खरीदने में परहेज कर रहे हैं। नादौन सब्जी मंडी में सब्जी ज्यादा नहीं बिकने से ढेर देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद बाजारों का बुरा हाल है और ऊपर से सब्जियों के बढ़ते दामों ने गरीबों के मुंह से दो वक्त का निवाला भी छीन लिया है। अब उन्हें दालें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सब्जी मंडी नादौन में थोक विक्रेता बबलू का कहना है कि डीजल की कीमतों के बढ़ने से सब्जी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर जल्द कीमतों पर लगाम नहीं लगाई गई तो सब्जी फल और महंगे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि गरीबों के बारे में भी कुछ किया जाए। डीजल के रेट तो बढ़ने से आम जनता पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। जैसे होशियारपुर या पंजाब जहाँ भी हमारी गाड़ियाँ जाती थी से हर रोज़ में जा रहे हैं तो 2-3 हज़ार का और फर्क पड़ गया है। ज़्यादा पैसे लग गए हैं, इससे फर्क तो पड़ेगा। जो आम जनता है उसके ऊपर भी इसका बोझ काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो जो थोक के व्यापारी होगी किस हिसाब से माल लेके जा रहे हैं? अब थोक तो मजबूरी है हमारी, हमें तो गाड़ियाँ भेजनी पड़ेंगी। जहाँ पहले 3 हज़ार का डीजल डलता था हमारा रोज, वहाँ आज 5 हज़ार का हो गया, 2 हज़ार अच्छा से डल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, सरकार को चाहिए कि वो इसके बारे में कुछ करें।